नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर बिहार भाजपा ने आज पूरे राज्य में मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसमें हम आपको सीधे गोपालगंज से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए जा रहे हैं और आप वहां से सीधे बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी को सुन सकेंगे। तो आइए चलते हैं गोपालगंज। आपको याद होगा कि बिहार में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आरा के रमना मैदान में बिहार को के पैकेज की घोषणा जब उन्होंने की थी, उस समय कई लोगों ने बड़ा ही मजाक उड़ाया था उस पैकेज का और कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की बोली लगाई है। उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पैसे से बिहार का ऐसा विकास किया कि आज छोटी लाइन से बड़ी लाइन में हमारी ट्रेनें हो गई, हम आज हाईवे के मामले में हम देश में सबसे ज़्यादा रीच हो गए, हमारे यहाँ बिजली घर घर पहुँच गई, गैस का चूल्हा उन्होंने घर घर पहुँचा दिया, पासपोर्ट सेवा केंद्र जिले में खुल गया, हम लोगों के यहाँ की जो वाटरवेज के मामले में, रेलवे के मामले में, रोडवेज के मामले में हम निर्भर हुए, पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से सर्वाधिक बिहार के किसानों के खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया डालने का काम किया। अब किसान किसी साहूकार के का बंधक नहीं होता है, अब किसान भी आत्मनिर्भर हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में देशवासियों की सेवा की है और जिस प्रकार से लगभग 7 महीने से देश के लगभग 90 करोड़ लोगों को घर बिठा के भोजन करा रहे हैं और उसके बाद भी महंगाई पर उन्होंने अंकुश लगाया है, ये अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। और इसीलिए कल नरेंद्र मोदी जी की का जन्मदिन था, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनका जन्मदिन मनाया। आज तक किसी सरकार ने कभी भी कोई श्मशान घाट, कोई वैकुंठ धाम या कोई सौदागरी बनाने की पहल नहीं की। अगर पहली बार पहल हुई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और मेरे कार्यकाल में डुमरिया घाट में हम 870 करोड़ रुपए की परियोजना रेलवे के लिए स्वीकृत की, जिसमें छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। अपने ही जिले में अगर आप देखें तो थावे से छपरा का ये जो हमारा आमान परिवर्तन हुआ, ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, उन्होंने नहीं कराया, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में यह काम संपन्न हुआ और इसको लेकर के बिहार में केवल 8,870 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो संपन्न हो चुकी हैं या चल रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में 600 करोड़ रुपया, अब बिहार में पर्यटन में अपार संभावना है, बुद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है, हमारे यहाँ कई प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, शक्ति सर्किट है, रामायण सर्किट है, हमारे यहाँ बौद्ध सर्किट है, हमारे यहाँ आध्यात्मिक सर्किट है, हम तमाम इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए बिहार में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम पैकेज में किया था, जिस पर आज काम चल रहा है। देश के एक एक गरीबों के घर में गैस का चूल्हा पहुँचाया और महिलाओं के आंखों से आंसू को पोंछने का काम किया और उसके अलावे अब हम घर में सीधे पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के तरफ बढ़ रहे हैं। पटना शहर को लिया गया है, मुजफ्फरपुर को लिया गया है, भागलपुर को लिया गया है, जो बिहार के बड़े बड़े शहर हैं उसमें लिए गए हैं और उसके कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विकास से संबंधित जो बिहार में परियोजनाएँ चल रही हैं वो 21,476 करोड़ रुपये का की लागत से हमारे यहाँ कहीं बॉटलिंग प्लांट बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, पूरी तरह आत्मनिर्भर बिहार बने गैस के मामले में और पेट्रोलियम के मामले में, इसमें हमारी सरकार काम कर रही है। रोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसकी भी घोषणा की गई है और आगामी दिनों में स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में आप कई प्रकार के ऐसे ऐसे संस्थान इस देश में देखेंगे जो इस देश के लिए आत्मनिर्भर अभियान के लिए भी बड़ा आवश्यक होगा। एक साथ भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में प्रेस वार्ता कर रही है और हम बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार के आने के बाद देश में क्या क्या बदलाव हुए हैं। और 14 में हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार सत्ता में आए, 14 से 19 तक 5 साल का उन्होंने जो अपना टेन्योर संपन्न किया, उसमें सबसे बड़ी अगर क्रांति हुई तो वो विद्युत क्रांति हुई कि हमने देश के लगभग हर परिवार को बिजली पहुंचाने का काम किया। जब 14 से 19 के बीच हमने घर में बिजली पहुंचाई,
उसी समय हमने तय किया कि हम खेतों में किसानों के लिए भी बिजली पहुंचाएंगे, और दूसरे टेन्योर में बिजली किसानों का कृषि फीडर बन रहा है और खेत में बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके अलावा जो बिहार का विकास है उस पर प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस रहता है। जब आरा आए थे प्रधानमंत्री जी और उन्होंने बिहार को जो अपना पैकेज दिया था 125 करोड़ का पैकेज, उस समय बड़ा लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई थी, लोगों ने बहुत उसकी आलोचना भी की थी, लेकिन आज उस पैकेज के एक एक रुपया का काम बिहार की धरती पर हो चुका है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैकेज के अलावा जो काम हुए हैं वो आज देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो हमारे देश की सबसे प्रमुख आय का स्रोत भी कृषि ही है। उसमें पूरे देश में कृषि सम्मान, लेकिन बिहार में जो 6000 रुपया सीधे किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी कृषि सम्मान योजना के तहत भेजते हैं, उसमें बिहार के 71.72 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। 71.72 लाख किसानों के खाते में हमारी सरकार ने कृषि सम्मान योजना का पैसा भेजा। सिंचाई और भंडारण सहित मत्स्य पालन विकास हेतु 3100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आप जानते हैं कि FCI के द्वारा जो अनाज का भंडारण किया जाता है उसमें हमारे देश में अभी भी बहुत सारे FCI गोदाम, बाकी जो भंडारण के ये जो गोदाम बनाए जाते हैं उस हमारे पास बहुत उसकी कमी थी। और साथ साथ जो सिंचाई के क्षेत्र में जो काम था, पशु मत्स्य के क्षेत्र में जो काम था उसको गति मिली है, और उसमें 3100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है जो सीधे केंद्र की योजना है। और इसके साथ साथ 2016 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो अपना बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और वो कृषि विद्यालय है, उसको हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। अब बिहार में जब कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ये बिहार के लिए गौरव की बात है।